watching Alert India News. Hi, hi. BJP. Hi, hi. Nitin Gadkari. Hi, hi. Nitin Gadkari. Hi, hi. Nitin Gadkari. Hi, hi. Toll Plaza. Band karo. Band karo. Toll Plaza. Band karo. Band karo. Toll Plaza. Band karo. Band karo. BJP. Hi, hi. 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 रोमी शर्मा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस कठुआ। आज हमने ये प्रोटेस्ट बीजेपी सरकार के खिलाफ किया है जो उन्होंने मोटर व्हीकल टैक्स लगाया था नितिन गडकरी जी ने, जिसमें हर कोई गरीब आदमी लोड कैरियर डालता है तो उसको नंबर के लिए 9% देना पड़ता है। कोई 10 लाख की गाड़ी डालता है तो उसको 90,000 नंबर लगाने के लिए देना पड़ेगा, जो कि एक गरीबों पर बहुत बड़ी मार है। और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने आज जम्मू वालों को, जम्मू और कठुआ वालों को एक और तोहफा दिया है, जिसमें उन्होंने 2 टोल प्लाजा दिए हैं, जो एक विजयपुर में खोला गया और दूसरा कठुआ में खोला जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट इनको जम्मू और कठुआ में ही मिले थे, इसलिए इन्होंने उन गरीब लोगों को ये एक तोहफा दिया है। इसके हम पुरजोर निंदा करते हैं, और अगर ये टोल प्लाजा और ये मोटर व्हीकल एक्ट जल्दी वापस नहीं लिया गया तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और इसके लिए हमारी सरकार और प्रशासन जिम्मेवार होगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आज यूथ कांग्रेस ने किया नगर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, और प्रोटेस्ट करने का रीजन ये है कि जिस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट जो यहाँ जबरदस्तन जम्मू कश्मीर में लाया गया है, और उसके कारण जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 9% हो गई है, और जब से ये एक्ट लाया गया है एक भी कमर्शियल व्हीकल की रजिस्ट्रेशन जम्मू में नहीं हुई है। इसका कारण ये है कि इस एक्ट के आने से इतना बड़ा धक्का लगा है यहाँ के कारोबारों को, ट्रांसपोर्ट को, जिसके कारण जम्मू में मंदी छाई गई है, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस खड़ी है, और साथ ही साथ जो टोल प्लाजा का तोहफा बीजेपी ने हमें दिया है, और कल से ही सरोर में टोल प्लाजा खुल गया है, ये जम्मू के लोगों पे दोहरी मार दी गई है। जिस तरह से अंग्रेज हम पे जुल्म करते थे, जब सूखा पड़ जाता था तो वो लगान दुगना करते थे, उसी तरह से आज मंदी छा गई है तो ये भी दुगनी मार जम्मू वालों को दे रहे हैं। एक तरफ से मोटर व्हीकल एक्ट, यहाँ पे इतनी उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस कर दी है कि 5 लाख की गाड़ी के लिए 60-70 हजार रुपया रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ेगा, और दूसरा जो यहाँ का दोस्त, जम्मू का दोस्त हीरानगर आएगा या हीरानगर का भाई कोई जम्मू जाएगा, उसके लिए टोल की पैसे भी देने पड़ेंगे। भाइयों, आज हालत ये है, अब लोगों के पास गाड़ी है लेकिन पार्किंग देने के लिए पैसा नहीं है। ये जो विफल नीतियां रही है बीजेपी की, और उसके ऊपर जो आर्थिक मार बीजेपी कर रही है, जम्मू वालों पे डाल रही है, वो जम्मू वाले सहन नहीं करेंगे। और एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ, जम्मू के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कुछ नहीं हो रहा, जो गलत नीतियां थी बीजेपी सरकार की उसके कारण सरकारी खजाना खत्म हो चुका है। अब उस खजाने को भरने के लिए, उस पैसा वापस लेने के लिए, अपना ताम झाम चलाने के लिए, बाहर जाके विदेशों में मोडी होडी मूवमेंट करने के लिए, पैसा खर्चने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। वो चाहते हैं कि आम जनता से, गरीब लोगों से उनका खून चूसकर उनसे ये पैसा लेके, चाहे फाइन चलान 10 गुना 20 गुना बढ़ाकर, या रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाकर, या टोल टैक्स लगाकर जम्मू के लोगों से पैसा चूसकर ये सरकार अपने खजाना भरना चाहती है। बिल्कुल गलत नीतियां हैं इनकी, और इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस खड़ी है। और जब तक ये टोल प्लाजा वापिस नहीं लेते, मोटर व्हीकल एक्ट वापिस नहीं लेते, यूथ कांग्रेस अपना संघर्ष जारी रखेगी। जय हिंद, जय भारत।